नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का अभ्यास का टॉपिक है काव्य, जिनका नाम है महाप्रस्थान। काव्य की समझौती से पहले हम उनके जो कवि हैं उनका परिचय देखेंगे। तो इन काव्य के कवि हैं नरेश मेहता जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। उनका मूल नाम पूर्ण शंकर था, जो हमारे लिए एक मार्क्स का विकल्प भी है। नरसिंहगढ़ में सन 1940 में सातवीं कक्षा की पढ़ाई के समय वहां की राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर पूर्ण शंकर को नरेश उपनाम दिया था और तभी से वे इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधियाँ प्राप्त की है। तो उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की है। अब हम उनके साहित्य के बारे में देखें तो नरेश मेहता के कविता संग्रहों में हमें मिलते हैं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों, नंगे पैरों, देखना एक दिन, चैतन्या आदि है। तो खंड काव्यों में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष प्रमुख है। तो इन काव्यों को देखकर हम आगे कह सकते हैं कि उनसे हमें उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और अनुवाद जैसी गद्य विद्याओं पर भी कवि ने अपनी कलम चलाई है। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि नरेश मेहता जी से हमें काव्य स्वरूप में भी और गद्य स्वरूप में भी कई ऐसे साहित्य का स्वरूप मिलते हैं। तो कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये ऐसे सम्मानित पुरस्कार है जिन्हें भारतीय भाषाओं में साहित्य सर्जन करने पर या तो अच्छा साहित्य सर्जन करने पर, समाज उपयोगी साहित्य का निर्माण करने पर ऐसे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। हमारे कवि नरेश मेहता जी भी आधुनिक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हें अच्छा साहित्य का निर्माण करने पर उन्हें ऐसे पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं उनके इस काव्य की। तो इस काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश। खंड काव्यांश क्या है तो उनसे पहले हम देखें कि खंड काव्य क्या है। तो शायद आप लोग खंड काव्य के बारे में जानते होंगे या तो नहीं। तो हम देखें कि खंड काव्य क्या होता है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य ही खंड काव्य होता है। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। उनमें मनुष्य जीवन की संपूर्ण कथा न होकर कोई एक घटना पर पूरा काव्य रचा जाता है, जिन्हें हम खंड काव्य कहते हैं। तो खंड काव्य का भी एक छोटा अंश जिन्हें हम खंड काव्यांश कहते हैं। तो उनका जो खंड काव्य है महाप्रस्थान, उनका एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिया गया है, इसीलिए इस काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश। तो इनमें किसकी बात की गई है उनको यदि हम देखें तो महाप्रस्थान खंड काव्यांश का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है। यानी हम देखें कि जो महाप्रस्थान उनका जो खंड काव्य है उनका विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अकुट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतन प्रश्न है। उनका एक छोटा अंश यहाँ पर लिया गया है, इसलिए इनका साहित्य प्रकार होगा खंड काव्यांश। हम देखें तो इसमें कौन सी बात की गई है, जिनकी बात करें तो महाप्रस्थान काव्य पांडवों के स्वर्गारोहण विषय पर आधारित है। आप जानते ही है कि महर्षि वेदव्यास रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। इस ग्रंथ में 18 पर्व है और इस 18 पर्व में से जो 17वां पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। इन दोनों पर्व की कथा को आधार बनाकर ही प्रस्तुत काव्य की रचना श्री नरेश मेहता द्वारा की गई है। यहाँ हम देखें तो महाप्रस्थान यानी महान प्रयाण करना। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होता है। पांडव बेचारे सच्चे न्याय का रास्ता लेकर न्याय के लिए राज्य अधिकार मांगते हैं, लेकिन उस समय पर कौरव है उन्होंने उनका अधिकार देने के लिए इनकार कर दिया था। इसलिए सच्चे न्याय का रास्ता अपनाकर कौरवों के साथ पांडव युद्ध करते हैं
और आप लोग जानते ही हैं कि सत्य का रास्ता अपनाते हैं उसकी तो विजय ही होती है, तो कौरवों का क्या होता है, नाश होता है, और उसके गुरुजन के पक्ष में भी उनकी जो थे उनकी भी मौत हो जाती है। पांडवों की विजय होती है, परंतु उसके जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उनके दिल में अपने चचेरे भाई की मृत्यु अपने नज़र के सामने अपने हाथों होते हुए देख वे दुखी हो जाते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आने वाला भविष्य इतना कठिन होगा कि राज्य व्यवस्था संभालना भी बहुत दुष्कर हो जाएगा, ऐसा अपने मन में ही प्रश्न होते हैं और जिज्ञासा होती है, जिनके कारण वे अपने खास करके अर्जुन को और अन्य भाइयों को स्वर्गारोहण करने के लिए कहते हैं कि अब राज्य व्यवस्था संभालना उचित नहीं है, इस युद्ध में बहुत से अधिक व्यक्ति उनके द्वारा मारे गए हैं, चचेरे भाई का अपने हाथों ही मृत्यु हुई है, वे सभी इस पाप के प्रायश्चित के रूप में वो स्वर्गारोहण करने के लिए हिमालय की ओर महाप्रस्थान करते हैं। उसी के कारण इस काव्य को हम देखें तो महाप्रस्थान शीर्षक दिया है। हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांचों पांडव अत्यंत उदासित रहने लगे हैं, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। श्री कृष्ण की मृत्यु, युद्ध एवं हिंसा से हुए जो विनाश आदि से उदास और पछतावा करते हुए दुखी पांडव द्रौपदी सहित प्रजाजनों की अनुमति लेकर तथा पुत्र को राजगादी सौंपकर हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के लिए स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ हम देखें कि महाप्रस्थान शब्द का अर्थ ही क्या है, किसी महान कार्य या हेतु के लिए प्रस्थान करना। यहाँ पांचों पांडव भी महाभारत के युद्ध में हुई हिंसा, पाप तथा बांधवों की हत्या का प्रायश्चित और अपने जीवों का उद्धार करने के लिए निकल पड़ते हैं। कहाँ पर? तो हिमालय की तरफ। इस वजह से इस काव्य का जो शीर्षक दिया गया है वे उचित है, यानी महाप्रस्थान। तो हम देखें कि यहाँ पर नरेश मेहता जी ने एक हमारे जो पुराने ग्रंथ है उनका एक विषय लेकर हमारे सामने कई बड़े संदेश भेजे हुए हैं। हम देखें कि प्रस्तुत काव्य में नरेश मेहता जी ने युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन को कई ऐसे छोटे छोटे संदेश देकर हमें एक प्रेरणा के रूप में इस काव्य को समझाया है। किस प्रकार? तो उन्होंने पहले पद में हम देखेंगे तो सत्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है। उनके बाद के पद में व्यक्तित्व की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, या तो भौतिक वस्तुओं के प्रति मनुष्य की जो आसक्ति है वह उनके व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार बाधा रूप बनती है उनको समझाया है। इस वजह से राज्य का परित्याग का कारण बताया है। तो युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली जो जटिल समस्याएं हैं और उनके कारण जो राज्य व्यवस्था किस प्रकार चरमा जाती है, ऐसी बातों को यहाँ पर नरेश मेहता जी ने समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम देखें कि इस पद्यांश के द्वारा उनका उद्देश्य मात्र महाभारत की कथा सुनाने का न होकर आधुनिक काल के साथ जुड़ा हुआ है, और वह किस प्रकार जुड़ा हुआ है वे हम बात किस प्रकार समझेंगे, इस काव्य की समझौती के आधार पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काव्य की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच संवाद चल रहे हैं, और उन्हीं से हमें कुछ छोटे छोटे संदेश के आधारित नरेश मेहता जी क्या समझाना चाहते हैं इस बात को समझना है। तो शुरुआत है जो काव्य की, उनमें ही हम देखेंगे कि काव्य की शुरुआत में ही युधिष्ठिर अर्जुन के संवाद अंतर्गत युधिष्ठिर अर्जुन से कुछ बातें समझाने का प्रयत्न करते हैं। जब पांडवों की जीत हुई है, कौरवों का नाश हुआ और पांडवों की जीत हुई, परंतु उन लोगों को राज्य तो हाथ में मिल गया, परंतु युधिष्ठिर अपने आँखों इन घटनाओं को देखा, उनके बाद की परिस्थिति को देखा तो उनका मन बहुत ही विचलित हो चुका है, और वे क्या करते हैं, राज्य त्याग करके महाप्रस्थान करते हैं। कहाँ पर? स्वर्गारोहण की ओर, अपने पापों का प्रायश्चित करने पर। तब उनके भाइयों को जब वे अपनी बात यह बात बताते हैं तो उनके भाई सभी दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों, हमें हमारा राज्य मिल गया, हमें हमारा राजकोष मिल गया, अब हम खुश हैं सुखी हैं, तो क्यों स्वर्गारोहण की ओर क्यों प्रयास करना चाहिए। तब जो जीवन की सच्चाई है उस बात को युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हैं, और वे आगे कहते हैं, इस काव्य की शुरुआत में ही वे आगे हमें समझाते हैं। तो काव्य की समझौती से पहले हम क्या करेंगे, उनके जो कठिन शब्द है उनको देख लेंगे, क्योंकि इस काव्य में कई ऐसे शब्द समूह हैं
कहीं ऐसे विलोम और समानार्थी शब्द है जो हमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह सभी कठिन शब्दों को आप लोग क्या करेंगे, अपनी पाठ्यपुस्तक में नोट कर दे जाइएगा, तो काव्य की समझूती के लिए भी सरल होगा और परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे शब्द समूह आपको याद भी रह जाएंगे। तो शुरुआत में हम पहले जो पद है उनके कठिन शब्द देखें, तो यहाँ पर शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द समूह के लिए एक शब्द है, उनका अर्थ होता है जानने की इच्छा। फिर आते हैं अंतर, अंतर का अर्थ होगा तफावत। सत्य जो हमें विलोम शब्द में भी पूछा जा सकता है, सत्य तो झूठ या तो पर्यायवाची देखे तो सही। फिर उनके बाद आता है जिज्ञासा हमने देखा। फिर यहाँ पर शब्द है पार्थ। पार्थ शब्द यहाँ अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है, अर्जुन को बुलाने के लिए युधिष्ठिर उनका क्या प्रयोग करते हैं, पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। राज्य परित्याग यानी राज्य का त्याग कर देना। अवश्य यानी बिल्कुल। बुरा यानी गलत। आगे हम देखें तो शास्त्र व्यवस्था, हमारे समाज में आर्य शास्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के कुल चार आश्रम बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम यानी विद्यार्थी जीवन, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम होता है संन्यासाश्रम, जिनमें यह पुराणों से ही चली आई बात है। आगे हम देखें तो वैचारिकता यानी उनका अर्थ होता है एक प्रकार की विचारणा। उनके बाद है निष्कर्ष, निष्कर्ष का अर्थ होगा सारांश या तो निचोड़, और बंधु का अर्थ होता है भाई। अब यहाँ हमने कठिन शब्दों का अर्थ देखा, अब काव्य की समझूती हम देखें तो जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे लोग अब क्या करेंगे, राज्य का परित्याग करके वे स्वर्गारोहण की ओर प्रयाण करेंगे, तब उनके भाई सभी दुखी हो जाते हैं, तो उनकी समझूती के स्वरूप पर युधिष्ठिर उन्हें समझाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पहले ही क्या है, प्रश्न और जिज्ञासा, यह बात समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ हम देखेंगे तो हमें 2 मार्क्स का एक प्रश्न भी मिलता है कि सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर अपने विचार बताइए, युधिष्ठिर के विचार बताइए। तो शुरुआत में ही युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ, प्रश्न क्या है या तो जानने की जो जिज्ञासा है उन दोनों के बीच का तुम तफावत समझते हो। सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती है, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। यहाँ पर हम देखें तो युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि प्रश्न और किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा का अंतर या तो इन दोनों के बीच का तफावत तुम जानते हो। युधिष्ठिर अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि तुमने कभी सत्य की प्राप्ति क्या है उनके बारे में जानने की कभी कोशिश की है। सत्य की प्राप्ति क्या होती है या तो सत्य क्या है इन्हें हम किस प्रकार जान सकते हैं, तो उनका उत्तर वे स्वयं ही आगे देते हैं। किस प्रकार देते हैं, फिर वे स्वयं बताते हैं कि सत्य की जानकारी किसी दूसरे से प्रश्न करके नहीं की जा सकती है, खुद से इसे जानने की कोशिश करनी पड़ती है। आगे वे कहते हैं कि चाहे सुख का समय रहा है या दुख का, मुझे सदा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमेशा क्या हुआ है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैंने आज राज्य का त्याग कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने प्रश्न किया है कि मुझे सदा जिज्ञासा हुई है पार्थ, किस प्रकार की जिज्ञासा, तो वे आगे बताते हैं कि मैंने राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा है, मैंने आप लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि हमें राज्य का परित्याग करना है, मैं जानता हूँ इस वजह से आप लोगों को काफ़ी दुख पहुँचा है, बुरा लगा है, परंतु तुम जानते हो मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ आश्रम नहीं स्वीकारा है, हमारे आर्य व्यवस्था के मनुष्य जीवन के कुल 4 आश्रम है, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम आता है जो हमने देखा था कि आखिर में था संन्यासाश्रम। तो वे उन्हें बताते हुए कहते हैं कि मैंने शास्त्र व्यवस्था के कारण ही मात्र वानप्रस्थ आश्रम नहीं स्वीकारा है, परंतु इनके पीछे मैंने काफ़ी सोच समझकर सत्य की प्राप्ति क्या है उनके बारे में जिज्ञासा करने का प्रयत्न किया है, और कई सारांश निकालकर मैंने यह राज्य परित्याग का निर्णय लिया है। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे सुख का समय रहा है या तो दुख का, मुझे हमेशा जिज्ञासा हुई है, मैंने राज्य का त्याग कर दिया है, इससे तुम लोगों को बुरा अवश्य लगा है,
वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा है, बल्कि यह निर्णय मैंने बहुत सोच समझकर विचार करके यह निर्णय लिया है। किसका निर्णय लिया है? राज्य त्याग करके वैराग्य को त्याग करके संन्यास आश्रम या तो वानप्रस्थ का आश्रम स्वीकारा है। उनके पीछे मेरा कई विचार है और इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखा है। तो जब युधिष्ठिर उन्हें अपने भाइयों को इस बात को समझाते हैं तो अर्जुन उन्हें प्रश्न करते हैं कि कैसा निष्कर्ष, ऐसा आपने कैसा सारांश निकाला है, यह राज्य परित्याग किया। तो यहाँ पर हम देखें कि युधिष्ठिर पहले से ही जानते हैं कि जो उन्होंने यह युद्ध हुआ उनके कारण जो परिस्थिति हुई है उनको देखते हुए कहते हैं कि हमारे जो यह युद्ध हुए, हमारा जो ये राज्य है, साम्राज्य यानी वह बड़ा राज्य जो एक सम्राट के शासन में होता है, संपत्ति है, संबंध है, वे सभी एक प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं और यह व्यक्तित्व विकास में बाधक बनती है। तो इसीलिए जब अर्जुन ने उन्हें पूछा कि कैसा निष्कर्ष, तो इस बात को समझाने के लिए वे दूसरे पद में उनका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हैं। कौन सी बात को समझाते हैं? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार बनाए रखना है, इस बात को वे क्या करते हैं, आगे समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आगे का पद में हम देखें तो कठिन शब्द कौन कौन से हैं उनको पहले हम देख लें। तो हीन होना यानी वस्तुओं से रहित रहना, चाहे कोई भी वस्तु है उनसे बगैर रहना। फिर व्यक्तित्व, तो व्यक्ति का सच्चा व्यक्तित्व क्या होता है उनके बारे में बात कही है। संपन्न होना यानी नष्ट होते और जाना, पूर्ण होते हुए जाना। आगे आता है युद्ध, उनका अर्थ आप जानते हैं, राज्य का अर्थ आप जानते हैं। फिर है साम्राज्य, साम्राज्य का अर्थ क्या होगा, तो वह बड़ा राज्य जो एक सम्राट या तो राजा के शासन में होता है। फिर होता है संपदा, संपदा का अर्थ होता है संपत्ति, यह हमारा क्या है, IMP शब्द है। फिर है संबंध, संबंध का अर्थ आप जानते हैं, इन सब की सीमाएँ, सीमाएँ का अर्थ क्या होता है, मर्यादा। और कुचक्र, कुचक्र का अर्थ होता है एक प्रकार से षड्यंत्र या तो साजिश, यह हमारा बहुत ही IMP समानार्थी शब्द है, इसलिए आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ कठिन शब्द है इस पद में, पहले उनको भी देख लेते हैं। तो क्या है, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है, बुन लेना यानी उनके चारों ओर घेर लेना। सफलता का अर्थ आप जानते हैं, तो इनका विलोम होगा असफलता। सुगंध का अर्थ आप लोग जानते हैं, खुशबू, तो उनका विलोम होगा दुर्गंध। परिवृत्त यानी घेरे से, चारों ओर के घेरे से घेर लेना। फिर बाहर का अर्थ होगा अंदर, आगे हम बाहर का विलोम होगा अंदर। फिर आगे आते हैं कि वस्तु सफलता, अमरता, अमरता यानी अमरतता प्राप्त करना, अमरत्व प्राप्त करना। पुरुषार्थ यानी मेहनत, और संकल्प यानी पक्का इरादा। यहाँ के कठिन शब्द हमने देख लिए, तो आगे हम काव्य की समझूती देखें। तो हमने पहले पद में देखा कि युधिष्ठिर जब राज्य का परित्याग करने के लिए अपने भाइयों से कहते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि मैंने बहुत सोच विचार करके यह निर्णय लिया है। तो अर्जुन युधिष्ठिर से पूछते हैं कि कैसा ऐसा सारांश, तो उनको समझाने के लिए वे आगे कहते हैं कि वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। यहाँ पर 2 मार्क्स का प्रश्न भी बनता है कि युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है। यह भी हमारा IMP प्रश्न है। तो इनकी समझूती में युधिष्ठिर ने वस्तुओं के प्रति मनुष्य की जो आसक्ति है उसके व्यक्तित्व विकास में जो आसक्ति है वह बाधक बनती है उनको बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है व्यक्तित्व की दृष्टि से उनका संपन्न होना, संपन्न यानी पूर्णी तरह पूर्ण होना। यहाँ हम देखें तो अल्प ज्ञान की वजह से, अल्प समझ के कारण हम क्या कहते हैं, भौतिक वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं। युधिष्ठिर समझाते हैं कि मनुष्य अल्प समझ की वजह से वह क्या करता है, भौतिक वस्तुओं का शिकार या तो गुलाम बन जाता है और उन भौतिक वस्तुओं को ही अपनी सफलता और अमरत्व समझता है। इसलिए वह इन भौतिक वस्तुओं को अपना कर चारों ओर उनके पीछे ही घेर जाता है और यह सभी चीज़ें उनके व्यक्तित्व विकास में वह क्या करती है, बाधक बनती है। इसलिए वे समझाता है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्तित्व से संपन्न होने की निशानी है। यदि हम किसी वस्तु के बगैर रह सकते हैं तो ही हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हे पार्थ, ये सभी युद्ध,
राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सबकी एक मर्यादा होती है, एक सीमाएं होती है। ये सारी चीज़ें एक प्रकार का षड्यंत्र है, साजिश है, और इन्हें ही कोई व्यक्ति अपने चारों ओर क्या करता है, गुथ लेता है, उनके चारों ओर घेर रहता है। इसके बाद वह फिर कभी इस घेरे से या तो इस सफलता रूपी घेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, और सफलताओं के नाम से ही इसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वह इन वस्तुओं को ही अपनी सफलता के नाम से जानने लगता है। और पार्थ, वस्तुओं और सफलताओं के बल पर अमर हो जाने को तुम पुरुषार्थ और पक्का इरादा कहते हो? युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि ऐसी भौतिक वस्तुओं के घेरे पर गुलाम बनकर जो हमें सफलता मिलती है या तो जो हमें अमरत्व प्राप्त होता है, उनके पुरुषार्थ को ही क्या हम अमरत्व प्राप्त करने का इरादा समझते हैं? क्या इन्हें ही हम सफलता समझते हैं? क्या इन्हें ही हम अपना अमरत्व प्राप्त कहते हैं? तो युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध है, यह राज्य है, संपत्ति है, संबंध है, यह ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को चारों ओर घेर लेता है, उनका गुलाम बन जाता है। परंतु वास्तव में यही सब चीज़ें उनके व्यक्तित्व विकास की बाधक बनती है। व्यक्ति क्या करता है, इन भौतिक वस्तुओं के चारों ओर अपने आप को घेर लेता है और उन्हें ही अपनी सफलता और अमरत्व प्राप्त का वरदान समझते हैं। पर ऐसे बल पर जो हमारे झूठे राज्य है, वे हमारे संपत्ति है, इन सभी को प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार की कुचक्र रचते हैं। तो इनसे मिली सफलता, इनसे मिले अमरत्व को क्या हम सफलता प्राप्त मानेंगे? नहीं, यह वास्तव में हम देखें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधक बनते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को बनाए रखने के लिए ऐसे अल्प समझ से बाहर निकलना ही क्या होता है, जरूरी होता है। इस बात को समझाने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन से इन सभी युद्ध, राज्य, संपदा यानी संपत्ति, संबंध, ये सभी भौतिक वस्तुएं व्यक्ति के विकास में किस प्रकार बाधक बनती है, इन सभी वस्तुओं से व्यक्ति को किस प्रकार रहित रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, इस बात को समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। आगे वे क्या कहते हैं, उनकी बात हम देखें तीसरे पद में। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने जड़ और चेतन दोनों का भेद समझाते हुए कहा है कि जो जड़ चीज़ें होती है वे क्या होती है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कई उदाहरण देते हुए समझाया है। तो पहले कठिन शब्द देखें तो दुर्ग, दुर्ग का अर्थ होता है किला, यह हमारा समानार्थी शब्द है, और प्रासाद, प्रासाद जिनका अर्थ होता है महल, यह दोनों ऐसे समानार्थी शब्द है जो हमें कई बार पूछे जा सकते हैं। स्मृति भवन यानी किसी की याद में बनाए गए भवन। फिर आते हैं चारण, चारण एक प्रकार की जाति है जो राजा महाराजाओं के दरबार में वे क्या करते थे, उनके गुणगान गाते थे और उनके परिणाम स्वरूप वे उनसे क्या करते थे, पुरस्कार प्राप्त करते थे। तो चारण प्रशस्तिया, चारण जाति के जो लोग के द्वारा हम देखें कि चारणों के द्वारा किया गया एक प्रकार का स्तुति ज्ञान, जिन्हें चारण प्रशस्तिया के रूप में हम जानते हैं। झूठ, झूठ का यहाँ विलोम होगा सच। शिलालेख, शिलालेख का अर्थ क्या होता है, शिलालेख यानी पत्थर पर खुदा हुआ प्राचीन लेख, पुराना लेख, जिन्हें हम शिलालेख के रूप में जानते हैं। फिर आगे हम देखें पार्थ शब्द, तो यहाँ अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जड़, जड़ यानी चेतना रहित, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई सजीव चेतन न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। फिर आगे आता है चेतन, चेतन का अर्थ होगा सजीव, सजीवता, जिनमें कोई जीवंतता है, उसे हम कहेंगे। बारंबार यानी वारंवार, पुनरावृत्ति। कचोटती यानी आघात पहुंचाना। विवस्ता यानी लाचार, यह हमारा बहुत ही अहमपी शब्द है जिनका अर्थ होता है लाचारी। अपमानित होना यानी अपमान होना। स्वत्व यानी अपनेपन का हरण होना। हनन होना यानी नाश करना, नष्ट करना। न्याय, उनका विलोम होगा अन्याय। संघर्ष यानी कई समस्याओं का सामना करना, होड़ करना। यहाँ आपने कठिन शब्द देखे, अब हम बात करेंगे कि युधिष्ठिर अर्जुन को जड़ और चेतन के द्वारा किस बात को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे यहाँ एक बात समझाते हैं, उनसे भी हमें सविस्तर प्रश्न मिलता है कि जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं, इस बात पर चर्चा कीजिए या तो युधिष्ठिर के विचार बताइए। तो युधिष्ठिर ने इस बात को किस प्रकार समझाया है वो हम देखें।
तो वो वे समझाते हुए कहते हैं कि ये दुर्ग, ये प्रासाद, ये स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियाँ, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरत्व देंगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन के सामने प्रश्न चिन्ह किया है कि हमारे ये जो किले हैं, हमारे महल हैं, झूठे इतिहास वाले जो हमारे शिलालेख, आज हम प्राचीन शिलालेख देख रहे हैं, या तो स्मृति भवन, किसी की याद में बनाए गए जो ये भवन है, क्या व्यक्ति को अमर बना देते हैं? नहीं, वे कहते हैं कि यह सभी चीज़ें, ये दुर्ग है यानी ये किले, किसी की याद में बनाए गए बड़े बड़े भवन, ये सभी उनकी याद में बनाए गए हैं, परंतु यह तो क्या है, एक प्रकार का जड़ है, व्यक्ति नहीं है, उनका सजीव नहीं है। यह तो सभी चीज़ें क्या है, एक प्रकार की जड़ चीज़ें हैं, वे व्यक्ति को कभी अमरत्व प्राप्त नहीं कराते हैं। वे कहते हैं कि पार्थ, ये किले, ये विशाल भवन, किसी की याद में बनाए गए ये महल, चारणों द्वारा किए गए लोगों के स्तुति गान, और जो ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख हम देख रहे हैं, वे क्या व्यक्ति को अमर बना देंगे? हे पार्थ, जो जड़ है, जिसमें चेतना ही नहीं है, वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वह प्राणयुक्त अर्थात चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वे इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जो जड़ और चेतन में जमीन आसमान का अंतर होता है। जड़ यानी बिल्कुल चेतना रहित, जिनमें किसी भी प्रकार का जीवंत नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो जड़ किसी का प्रतीक हो सकता है, किसी की याद में बनाया गया प्रतीक हो सकता है, पर वह कभी चेतन नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि समझ लीजिए, कोई आदमी है और उसका सुंदर चित्र है, आदमी चेतन है और आदमी का चित्र जड़ है। यदि हमारे सामने जो कोई आदमी खड़ा है तो वह चेतन है, जीवित है, परंतु उनका यदि चित्र हम देखें तो चित्र क्या है, जड़ है। चित्र कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर उसे उस व्यक्ति का कितना भी लगाव क्यों ना हो, पर वह चित्र आदमी नहीं हो सकता है, वह केवल जड़ का ही प्रतिनिधित्व करेगा, चेतन का कभी नहीं करेगा। इसी तरह ये सभी राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, किले, महल, स्मृति भवन, ये सभी चीज़ें क्या है, एक प्रकार की जड़ है, उनको ही व्यक्ति अमरत्व प्राप्त समझ लेता है, अमरता प्राप्त समझ लेता है, परंतु यह उनको अल्प ज्ञान है, उन्हें यह पता नहीं है कि यह सभी चीज़ें उन्हें अमर नहीं बना सकती है, क्योंकि यह सभी चीज़ें जड़ है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए यह भवन क्या व्यक्ति को अमरत्वता प्राप्त करेंगे? नहीं। इसलिए जड़ और चेतन के बीच का जो तफावत है, यहाँ पर हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जड़ है वह जड़ ही रहेंगे, ये चेतन नहीं हो सकते, अतः जड़ का व्यर्थ अभिमान करना व्यर्थ है, अभिमान करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें बार बार यह सोचकर कष्ट होता है कि तुम्हें अपमान सहना पड़ा, तुम्हारे अपनेपन का यानी तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, यानी उनका हम देखें कि नाश किया गया, अपने स्वत्व का तुम्हारा नाश किया गया, तुम्हें कई बार अपमान सहने पड़े, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें कई संघर्ष सहने पड़े, पर हे पार्थ, आगे वे बात समझाने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ छोड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि जो हम यह राज्य, युद्ध, महल, उनके पीछे ही घूमते फिरते हैं कि यह सभी चीज़ें हमें अमर बना देंगी, किसकी, व्यक्ति की याद में बनाए गए जो महल है उन्हें अमर बना देंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें एक प्रकार से क्या है, जड़ है, वे व्यक्ति को कभी चेतन नहीं बना सकते, उन्हें जीवंत नहीं बना सकते। इसलिए वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आज मेरी बातों को सुनकर तुम लोगों को दुख हो रहा है कि तुम्हें कई बार अपमान सहना पड़ा है, तुम्हें अपने स्वत्व का, अपनेपन का कभी कई कई बार उनका नष्ट करना पड़ा है, या तो तुम्हें कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, परंतु हे पार्थ, वे इस बात को आगे समझाते हुए कहते हैं, किस बात को आगे समझाते हुए कहते हैं, तो वे हम उनके बाद के पद में देखेंगे। तो उनके बाद के जो पद है, उनके कठिन शब्द को पहले देख लें ताकि इस पद को समझने में आपको सरलता रहे। विचारहारा, विचारहारा का अर्थ होता है जिनकी भावनाओं का कोई महत्व न हो, जिनकी, जिन व्यक्तियों को विचार करने के लायक ही नहीं छोड़ा है, तो विचारहारा शब्द हमारा शब्द समूह के लिए एक शब्द है। साधारण यानी साधारण जो लोग होते हैं उनके बारे में यह सोचने के लिए बताया है। फिर आगे वे कहते हैं कि स्वत्व यानी अपनत्व का हरण हो जाना, स्वत्व यानी अपनापन, अपहरण करना, अपहरण यानी छीनकर या बलपूर्वक उनसे ले लेना, क्या तो दीप्तित्व, दीप्तित्व यानी चमक तमक या शोभायुक्त, साम्राज्य, अन्याय जिनका विलोप आप जानते हैं न्याय, अभ्यस्त, अभ्यस्त का अर्थ यहाँ पर हमें लेना है एक प्रकार की आदत। फिर आगे हम देखें तो उनके पद के और कठिन शब्द, तो
विधवा, विधवा शब्द जो है या तो अनाथ शब्द है या तो दिशाहीन या है जीवन संघर्ष है सव्यसाची है, ये सभी शब्द समूह के लिए एक शब्द है। विधवा यानी जिनका पति मृत्यु हो चुका है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है उन्हें हम कहते हैं अनाथ, यानी जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें क्या कहते हैं अनाथ, या तो जो बिल्कुल असहाय है। जीवन संघर्ष, जीवन रूपी संघर्ष। दिशाहीन, जिनकी दिशा का कोई मोल नहीं है वे। सव्यसाची, सव्यसाची का अर्थ होता है जो बाह्य रूप से भी बाण चलाने में कुशल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सव्यसाची कहते हैं। दिशाहीन का अर्थ होगा जिसका कोई उद्देश्य न हो या तो निरुद्देश्य। और आगे हम देखें सव्यसाची, तो सव्यसाची यहाँ अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वह दोनों हाथों से बाण चलाने में भी कुशल थे, बाएं हाथ से भी बाण चलाने में वे कुशल थे। जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में शक्तिशाली होते हैं उन्हें सव्यसाची कहते हैं। और यहाँ पर सव्यसाची शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया है। एक मार्क्स के प्रश्न में यदि हमें पूछा जाए तो आपको याद रखना है और इस एक वाक्य के प्रश्नों को आपको नोट करना है, IMP प्रश्न है। आगे हम देखें तो वर्ण संकरता, यह भी हमारा शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिनका अर्थ होता है दो भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष द्वारा संतान की प्राप्ति होती है उन्हें हम कहते हैं। और आगे हम देखें कठिन शब्द और हो तो पृथ्वी, तो पृथ्वी यानी धरती समानार्थी शब्द है। कल्पना यानी विचारशीलता। कुल गोत्रहीन, यानी कुल गोत्रहीन का अर्थ होगा हम देखेंगे तो जिसका कुल गोत्र कोई न हो उन्हें हम कहेंगे। विचरण करना यानी घूमना फिरना। ऐतिहासिक कुष्ठता, कुष्ठता यानी कोढ़ की स्थिति जैसा। और आगे हम देखें उत्तरदायी, तो उत्तरदायी का अर्थ होगा जिम्मेदार जवाबदार, यह भी हमारा समानार्थी शब्द IMP है। यहाँ हम देखें तो आगे पद की समझौती में देखें तो हमने उनके आगे देखा था जड़ और चेतन का तफावत युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया था। फिर आगे वे बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पार्थ कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में तो सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं। जब युधिष्ठिर अर्जुन के अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें कई बार अपमान सहने पड़े हैं, तुम्हारे अपनत्व का हरण किया गया है, हनन किया गया है, या तो तुम्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, परंतु कभी तुमने उन विचारहारा लोगों के बारे में कभी सोचा है? कैसे विचारहारा लोग? तो वे कहते हैं कि कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में तो सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं। किस प्रकार सदा अपमानित रहे हैं? उन विचारहारा लोग जिनके विचारों को किसी भी प्रकार का महत्व ही नहीं दिया गया है, ऐसे साधारण जनों के बारे में सोचने के लिए अर्जुन को कहते हैं कि जिनके स्वत्व का ही अपहरण किया गया है, उनके अपनेपन को भी कभी नहीं समझा गया है, उनके अपनेपन का भी हनन किया गया है। हमारे ये दीप्तित साम्राज्य है, या तो उनके अपनत्व का हरण किसने किया है? हमारे इन जब दीप्तित्व यानी जगमगाते हुए शोभायुक्त साम्राज्य है, राज्य है जो हमने जीत तो लिए हैं, परंतु ये हमारे राज्य है वे उन कभी लोगों के साधारण लोगों के बारे में कभी तुमने सोचा है कि उन लोगों के जो बेचारे निर्दोष है, जिनके जिन्हें कभी विचार करने के लिए कभी सोचने के पर भी मजबूर नहीं किया है, या तो उनकी विचारों को कभी महत्व ही नहीं दिया गया है, उनके अपनेपन का भी हनन किया गया है, ऐसे साधारण लोगों के बारे में कभी तुमने सोचा है? और आगे वे कहते हैं कि वे बेचारे अन्याय सहते सहते ऐसे उनकी आदत हो गई है कि न्याय नाम की भी कोई चीज़ होती है वे भी उन्हें कुछ पता नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा कि अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय नाम का भी कुछ होता है। अन्याय सहते सहते वे बेचारे साधारण लोग अन्याय सहने की उन्हें ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि वे कभी सोच भी नहीं सकते कि न्याय नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या तुमने कभी ऐसे साधारण लोगों के बारे में कभी सोचा है जो युद्ध लड़ते लड़ते वे बेचारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनकी पत्नियाँ क्या हो गई है विधवा हो गई है, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, और युद्ध के कारण जो समाज में जो राज्य में एक प्रकार की जो परिस्थिति हुई है उनके बारे में तुमने कभी सोचा है? युधिष्ठिर अर्जुन को युद्ध के बाद होने वाली जो परिस्थिति है, राज्य व्यवस्था किस प्रकार चरमा जाती है, इस बात को समझाते हुए युधिष्ठिर यहाँ समझाते हैं। एक और हम देखें तो युधिष्ठिर के पात्र के द्वारा या जो यह बात समझाई गई है वे आज हमारे आधुनिक युग में समझने जैसी है। इस प्रकार का भी नरेश मेहता के द्वारा हमें यह संदेश मिला है कि युधिष्ठिर कहते हैं
यहाँ पर हमें एक सविस्तर प्रश्न मिलता है, कौन सा, कि युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यह बहुत ही आईएमपी सविस्तर प्रश्न है। हम देखें तो यहाँ पर युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हैं कि किसी समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, युद्ध अंतिम अस्त्र माना जाता है। कोई यदि समस्या है तो उनका समाधान करने के लिए युद्ध ही अंतिम अस्त्र माना जाता है। युद्ध से किसी समस्या का समाधान हो या न हो पर उसका परिणाम क्या होता है, भयानक होता है। युद्ध में अनेक सैनिक और नागरिक मारे जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप अनेक स्त्रियां विधवा हो जाती है, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, समाज में तरह तरह की बुराइयां प्रवेश कर लेती है, उनका भयानक परिणाम होता है। इसके अलावा जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ता है। युद्ध से देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बिल्कुल ही चरमा जाती है। तो वे कहते हैं इस बात को समझाते हुए कि युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे सव्यसाची, तुम तो क्या हो, दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण हो, परंतु वे कहते हैं कि तुम्हारे अर्जुन तुम उन सामान्य लोगों के बारे में तो सोचो जिन्हें विचार करने के लायक ही नहीं छोड़ा है, जिन्हें सदा अपमान सहते रहना पड़ा है, जिनके अपने मन को छीन लेने वाले या तो उनके अपनेपन का नाश करने वाले क्या है, हमारे जगमगाते हुए साम्राज्य है। ये साधारण लोग अन्याय सहते सहते उनकी यह आदत हो गई है कि इन्हें यह भी पता नहीं है कि न्याय नाम की भी कोई चीज़ होगी। प्रत्येक युद्ध के पश्चात एक राज्य का निर्माण होगा, पर यह इस युद्ध में अनेक लोग क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और कितने स्त्रियों को विधवा होना पड़ा है, उनके पति मृत्यु होने की वजह से उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वे बेचारे जीवन के संघर्ष में दिशाहीन हो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं यानी लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। कैसा जीवन जीने के उन्हें कोई उद्देश्य ही नहीं रहता है। यदि समझ लीजिए जो पत्नी है उनका पति मृत्यु हो जाए तो उनका जीवन कितना व्यर्थ हो जाता है, उनके बच्चे कितने अनाथ हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर समझाते हैं कि जो हमने युद्ध किए उनसे हमें क्या मिला, एक समस्या का हल तो हुआ, कोई राज्य का नया निर्माण तो होगा, परंतु इस युद्ध से जो विनाशक परिस्थिति होगी, युद्ध के बाद की जो परिस्थिति होगी उनके बारे में तुमने कभी सोचा है, ऐसे कई निर्दोष लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे और उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके बाद की राज्य की जो व्यवस्था है वह क्या हो जाएगी, बिल्कुल चरमा जाएगी, और जिससे उनकी स्त्रियां विधवा हो जाती है और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वे बेचारे जीवन के संघर्ष में दर दर की ठोकर खाने के लिए लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और एक बात आगे वे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था कि युद्ध के उपरांत, कृष्ण ने ही एक बार कहा था कि युद्ध के बाद समाज में वर्ण संकरता बच जाती है। वर्ण संकरता यानी यदि समाज ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग जाति के पुरुष एक दूसरे से विवाह करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे, और इनकी वजह से वर्ण संकरता बच जाएंगी, और समाज में वर्ण संकरता बच जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं कि तुमने कभी यह सोचा कि युद्ध के बाद तो एक नया राज्य जन्म होगा परंतु उनमें वर्ण संकरता बढ़ जाएगी और कुल गोत्र का तो बिल्कुल नाश ही हो जाएगा। और फिर तुमने कभी कल्पना की है कि पृथ्वी पर कुल गोत्र ही न रहकर क्या हो जाएगा, वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायित्व होगा, अर्जुन कौन उत्तरदायित्व होगा। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के बाद की जो परिस्थिति होगी उनके बारे में तुमने कभी सोचा, उनका जिम्मेदार कौन होगा। हम जैसे लोग ही जो युद्ध करते हैं, साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं, राज्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे बेचारे निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार बिछड़ जाते हैं, कुल गोत्र कुल ही नष्ट हो जाता है और वर्ण संकरता क्या करती है, विचरण करने लग जाती है। और ऐसी ऐतिहासिक कुष्ठता, ऐसे इतिहास को उनका जिम्मेदार कौन होगा, क्या तुमने कभी इनके बारे में कल्पना की है, तुमने कभी सोचा है कि उनका जिम्मेदार कौन होगा। यह बात समझाते हुए वे आगे कहते हैं कि उनके बाद युद्ध के बाद की जो परिस्थिति होगी वह कैसी होगी, राज्य कैसा हो जाएगा, इस बात को वे समझाते हुए आगे कहते हैं। तो कठिन शब्द हम देखिए कि अधिक यानी बहुत, कठोर यानी अधिक कठोर हो जाएंगे, बहुत
मजबूत हो जाएंगे। सुदूर, सुदूर का अर्थ यहाँ हम देखेंगे बहुत दूर। अमानवीय यानी जिनमें कोई मानवता ही नहीं है, जो मनुष्य के शोभायुक्त कुछ न हो। राज्य व्यवस्था यानी राज्य का प्रबंध, राज्य का आयोजन। आधार स्तंभ यानी नींव रूपी स्तंभ। आतंक यानी भय, यह भी हमारा एक समानार्थी शब्द है जो एक प्रकार का आईएमपी है। शिलान्यास यानी भवन आदि बनाने से पहले जो नींव में पत्थर रखने की क्रिया होती है वे। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियाँ यानी मनुष्य की यह सभी प्रवृत्तियाँ बारंबार करती आई है। एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने, कठिन शब्द और देख ले इस पद के, तो पांडव साम्राज्य का राजकोष यानी राजकोष किसे कहते हैं, राजा का खजाना होता है वे। इस पद में युधिष्ठिर अर्जुन को एक बात समझाते हैं। कौन सी बात समझाते हैं, तो वे कहते हैं कि युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृतियों का एक ऐतिहासिक सारांश क्या निकलता है, इस बात को युधिष्ठिर समझाते हैं। यह भी हमारा 2 मार्क्स का एक प्रश्न है। उसमें उन्होंने कहा है कि युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही कहा था कि युद्ध के बाद की जो परिस्थिति होगी उसमें क्या होगा, इसकी परिस्थिति का तुमने कभी कल्पना किया है, और आने वाले दिनों में ये राज्य कैसे बन जाएंगे, राजा से भी ज़्यादा निष्ठुर हो जाएंगे, और जो जो समय बीतता जाएगा दूर भविष्य में राज्य की व्यवस्थाएं राज्य से भी ज़्यादा अमानवीय हो जाएगी। अत्याचार इतने बढ़ जाएंगे कि राज्य की व्यवस्था करना ही दुष्कर हो जाएगा, उनके राज्य की व्यवस्था सोचना ही बहुत दूर की बात हो जाएगी। युद्ध और आतंक राज्य व्यवस्थाओं के मूलभूत स्तंभ माने जाएंगे, शिलालेख माने जाएंगे कि यदि राज्य बनाना है तो युद्ध करना है, आतंक फैलाना है। इनका जन्म मनुष्य की प्राचीन प्रवृत्तियों से ही होता आया है। एक दिन ऐसा आएगा जब युद्ध और आतंक को सामाजिकता माना जाने लगेगा। अर्जुन, हमने कौरवों से युद्ध करके उन्हें हराया है और तुमने आतंक के द्वारा पांडवों के साम्राज्य के खजाने में वृद्धि की हुई है, परंतु तुम जानते हो इससे एक ऐतिहासिक सारांश क्या निकलेगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध और आतंक अमानवीय कृत्य है। उनके मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष यही निकलेगा कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं रहेगा और युधिष्ठिर से एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट ही रहेंगे। तो इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जो युद्ध के बाद की राज्य व्यवस्था संभालना होगा वह कार्य बहुत ही कठिन हो जाएगा, जिनमें क्या होगा कि आने वाले दिनों में राजा से भी ज़्यादा निष्ठुर हो जाएंगे, और अमानवीय या तो अत्याचार इतने बढ़ जाएंगे कि राज्य की व्यवस्था संभालना ही दूर की बात हो जाएगी, उसके बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात हो जाएगी, और आतंक और युद्ध ही राज्य व्यवस्था के मूल आधार स्तंभ माने जाएंगे। जब युद्ध और आतंक को ही सामाजिकता माना जाने लगेगा तो क्या होगा, इनसे राज्य व्यवस्था संभालना बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। हम लोगों ने कौरवों से युद्ध करके जीत तो प्राप्त कर ली, हमारे साम्राज्य में हमारे राज्य में खजाने की वृद्धि तो कर ली, परंतु यदि तुम जानते हो इसका एक सारांश क्या निकलेगा, हे पार्थ क्या तुम जानते हो। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अंतिम पद समझाया है, और अंतिम पद में वे कहते हैं कि अमानवीय, अमानवीय का अर्थ होगा जो मानवता पूर्ण न हो, या तो मनुष्य के मानवता की शोभायुक्त न हो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अमानवीय कृत्य, कृत्य यानी पराक्रम कहते हैं। ऐतिहासिक निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी सारांश, अर्जुन से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी उत्तम, युधिष्ठिर यानी युद्ध में जो स्थिर रहने वाला होता है उन्हें क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, शब्द समूह के लिए भी एक शब्द है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती किन्हें कहेंगे, जो चारों दिशाओं में माहिर है, या तो हम कहेंगे कि चारों दिशाओं में जीतने वाले जो राजा होते हैं उन्हें हम कहते हैं। मानवता यानी इंसानियत, अंधे मार्ग पर बढ़ रहा यानी ऐसे मार्ग पर कि जिनकी कोई दिशा ही निश्चित नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। अंधकार यानी हम देखें कि ऐसे अंधकार में डूब जाना जिनका कोई फिर आगे कोई उद्देश्य लक्ष्य न हो, ऐसे मार्ग पर बढ़ना। संकट यानी समस्या, अधिक गहरा यानी उड़ानपूर्वक। यहाँ पर हम देखेंगे तो युधिष्ठिर आखिर में अर्जुन को समझाते हैं कि
हे अर्जुन, हमने जो अमानुषिक कार्य किए हैं या तो अमानवीय जो कार्य किए हैं उनके ऐतिहासिक निचोड़ ये निकलेंगे कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई वीर व्यक्ति नहीं है और युधिष्ठिर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। हे अर्जुन, मनुष्यता क्या होती है? अंधकार के घट में जा रही है। जो मानवता है वह नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मानवता अंधकार में डूबती हुई हमें नजर आ रही है। अर्जुन, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि संकट और गहरा हो गया है। हम लोगों ने सोचा था कि युद्ध के बाद शांति का माहौल होगा, परंतु यहाँ शांति नहीं, युद्ध के बाद की जो संकट है वह बहुत ही गहरा हो चुका है और शांति चारों ओर फैल चुकी है। और लोग क्या करेंगे, हमारे युद्ध के बाद इसका सारांश यह निकला कि अमानवीय कृत्य के बाद लोग हमें इस प्रकार मानेंगे कि अर्जुन एक वीर योद्धा है, श्रेष्ठ योद्धा है और चक्रवर्ती सम्राट एकमात्र युधिष्ठिर है। यह दोनों एक मार्क्स के प्रश्न है, आपको याद रखना है कि वीर योद्धा कौन है और एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट कौन है। यह दोनों एक एक मार्क्स के प्रश्न IMP है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अर्जुन ने समझाया कि हमारे द्वारा किए गए मानुषीय व्यवहार से एक ही प्रकार का सारांश निकलेगा कि मेरा मानना है कि युद्ध और आतंक का सहारा लेकर हमने जो भी कौरव के साथ किया महाभारत के युद्ध में, उससे उल्टे मानवता अंधकार के मार्ग पर अंधेरे के घर में बढ़ती जा रही है। अर्थात युधिष्ठिर के मत अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद मानवता धीरे धीरे लुप्त या तो गायब होती जा रही है। पार्थ, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद उल्टे संकट अधिक गहरे हो गए हैं, समस्याएं और संकट अधिक बढ़ गए हैं। तो प्रस्तुत प्रध्यांश द्वारा युधिष्ठिर का कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक युद्ध विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है तथा युधिष्ठिर युद्ध के उपरांत की या युद्ध के बाद की जो उत्पन्न समस्याओं को लेकर चिंतित एवं परेशान होते हुए हमें यहाँ दिखाई देते हैं, और ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो इसलिए वे क्या करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए महाप्रस्थान करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे महाप्रस्थान करते हैं। इस वजह से इस काव्य का शीर्षक योग्य है। और इस काव्य की समझौती को हमने देखा, युधिष्ठिर अर्जुन के संबंध को हमने देखा, तो युधिष्ठिर ने इन पदों के द्वारा हमें कहीं लंबा एक संदेश दिया है, समझदार संदेश दिया है, प्रेरणा दी है। तो हम देखें कि नरेश मेहता ने इन प्राचीन पात्रों का प्रयोग करके आज आधुनिक समय पर सोच विचार करने के लिए हमें मजबूर किया है। इस पद्यांश के द्वारा उनका उद्देश्य मात्र महाभारत की कथा सुनाना न होकर आधुनिक काल के साथ उन्हें जोड़ा है। किस तरह से युद्ध से उनका जो परिणाम कितना बुरा होता है, जिसे आधुनिक युग में समझना बहुत ही जरूरी है, और इस आधुनिक युग में जो संघर्ष हिंसा है उन्हें रोकने का एक प्रयत्न किया जा सकता है। इस काव्य के द्वारा हम इस बात को भी समझ सकते हैं। पूरी काव्य हमने देखी है, तो यहाँ हम देखेंगे कि नरेश मेहता जी ने सत्य की प्राप्ति किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, तो किसी से प्रश्न करके नहीं, जिज्ञासा से प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व विकास किस प्रकार करना है, तो या तो जो भौतिक वस्तुएं हैं वे उनमें किस प्रकार बाधक बनती है, जड़ या तो चेतन दोनों में किस प्रकार का तफावत है, युद्ध की परिस्थिति के बाद या तो युद्ध के उपरांत जो परिस्थिति होती है उन पर विचार करने के लिए हमें क्या किया है, एक प्रकार का संदेश दिया है, और युद्ध के बाद की जो एक सारांश निकलेगा अमानवीय कृत्यों से जो एक सारांश निकलेगा वो क्या होगा, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने हमें यहाँ एक संदेश दिया है। तो इस काव्य के हम समझ सकते हैं कि आधुनिक युग में भी, आने वाले युग में भी हमें इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किस प्रकार का व्यवहार करना है, कार्य करना है, इस बात को समझाया है। और इस पाठ में मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसे दो दो मार्क्स के प्रश्न हैं कि सत्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या तात्पर्य बताया है, युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों के ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलते हैं, जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है, चेतन का नहीं, यह सविस्तर प्रश्न है, और युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, ये भी IMP प्रश्न है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे, और जो भी हमने कठिन शब्द देखे या तो जो भी शब्द समूह देखे, विलोम शब्द देखे, उनको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे।
पूरा वीडियो यदि आप लोग चाहे तो एक बार और देखेंगे और इनके स्वाध्याय के प्रश्न हम लोग नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।